अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम खान अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी 981 चैनल। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी यूट्यूब चैनल की सेटिंग किस तरीके से करनी है ताकि आपकी वीडियो जो है सजेशन में जाए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टीम के पास जाए ताकि आपकी वीडियो देखी जाए और आपके व्यूज़ बढ़ें। व्यूज़ जो कम आने की वजह होती है बेसिक, वो सेटिंग होती है। अगर आप सेटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छी सेटिंग नहीं रखेंगे तो आपकी वीडियो जो है कम लोगों तक देख जाएगी और कम लोग उसको देखेंगे, इस वजह से आपके व्यूज़ कम आएंगे और आपका चैनल ग्रो नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो चलते हैं चैनल की सेटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ये चेक कर सकते हैं, ये ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये, मैं आपको क्लियर करके स्टार्टिंग से बताता हूँ, यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, YouTube स्टूडियो यहाँ पे ये सामने सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना YouTube स्टूडियो। ठीक है, जिस चैनल की आपने सेटिंग करनी है वो चैनल आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा एक मेन चैनल है ये आ रहा है। ठीक है, मेन चैनल यहाँ पे आपका आ चुका है। अगर किसी सिर्फ आपके पास एक ही चैनल है तो फिर तो वही चैनल आएगा। ठीक है, तो आपकी जो सेटिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जरा जूम करके बताता हूँ। इस साइड पे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे ये सेटिंग का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये चेक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आएगा जर्नल और यहाँ पर करेंसी लिखी हुई है US डॉलर। ठीक है, इसमें ए टू जेड सारे मुल्कों की करेंसी यहाँ पे ऐड होती है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो PKR होगी। ठीक है, अगर इंडिया से जो लोग हैं उनकी इंडियन होगी। तो बेसिक सब लोग जो है US डॉलर इसीलिए रखते हैं कि यहाँ पे इजी होता है ट्रांजिशन में। ठीक है, तो आपने US डॉलर ही सिलेक्ट करके रखना, अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है यहाँ पर ये है चैनल, चैनल पर क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे है मेरी कंट्री जो है मैंने सेट करके रखी हुई है पाकिस्तान। आप जिस कंट्री से हैं वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे है कीवर्ड, कोई जो भी कीवर्ड आपके चैनल के रिलेटेड हो जिससे आपका चैनल सर्चिंग में आए, आपने वो कीवर्ड मिलते जुलते कीवर्ड इस तरीके से ऐड कर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर चले जाना है। एडवांस सेटिंग में आप चले जाएंगे यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि आपका जो चैनल है बच्चों के लिए है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मेरा चैनल जो है बच्चों के लिए नहीं है, यानी कि मैं कॉमिक्स वगैरह के लिए कार्टून वगैरह नहीं बनाता, मैं यूट्यूब प्रमोशन की वीडियोज़ और बाकी डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नो कर दूँगा। ठीक हो गया, आप अगर बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो आपने इसको यस कर देना है। बाकी सेम चीज़ वैसे ही है, इसके लिए आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने सेट करनी है। और यहाँ पे फ्यूचर एलिजिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप सेटिंग कर जाएंगे यहाँ पे तीनों चीज़ें अनेबल आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये अनेबल हैं, तीनों चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। करने के बाद यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक कर लेना है। ये तीनों चीज़ें सेट करने के बाद यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने सेव पे हर चीज़ जो है सेंड कर रखी है तो मैं इसको नहीं छेड़ता। ठीक हो गया, दूसरी चीज़ जो है ये है अपलोडेड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो चीज़ आप चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो हर चीज़ आपकी ऑलरेडी जो यानी कि अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद आ जाए। तो आपने यहाँ पर कोई सी टाइटल जिस चीज़ के लिए आप वीडियो बना रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे जैसे मैंने ये लिख रखा है YouTube फ्री कोर्स विद मी, ये हर वीडियो के साथ जब जैसे मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले यही शो हो जाएगा। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से आप रख सकते हैं। आप सबसे पहले YouTube चैनल का नाम लिखें जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शोर आ रहा है तो आप लोगों ने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, मैं किस जगह बैठ गया हुआ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं इधर ही वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैं अपना YouTube चैनल के प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ लिख रखी है। जितना आप लिख सकते हैं, 5000 वर्ड यहाँ पे लिखने होते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख देना है। और ये जो चीज़ है
विजिबिलिटी यहाँ पे अनलिस्टेड आपने पहले करना है, जब आप मुकम्मल सेटिंग वीडियो की कर लेंगे 10 मिनट बाद आपने उसको पब्लिक करना है, ठीक है। पहले आपने सब सेटिंग कर लेनी है, और ये कीबोर्ड्स मैंने ऑलरेडी जो यूज़ वाले हैं वो मैंने लगा रखे हैं। आप जी भी ये जिस लिहाज से आपका चैनल है वो आपने कीबोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये चीज़ जो है वो सारी समझने वाली हैं। और एक और बात, अगर आप फ्री यूट्यूब कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट्स कर दें तो इंशाल्लाह आपका भी चैनल प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और आपको ए टू जेड मुकम्मल कोर्स की वीडियो अपडेट इसी चैनल पे अपलोड की जाएंगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ। आगे की जो सेटिंग है ये करने के बाद ये सेव लाजमी करना है, सेव करने से आपकी मुकम्मल जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन के आगे जो है एडवांस सेटिंग, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एडवांस सेटिंग। यहाँ पे लेसन्स जो है ये स्टार्टिंग में जो पहला आएगा, यहाँ पे यूट्यूब लेसन्स है, और जहाँ पे ये कैटेगरी आ जाती है कि आप किस कैटेगरी के लिए बना रहे हैं, जो कैटेगरी की आप वीडियो बना रहे हैं वो यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, जैसे कि पीपल बिलोंग ये वो जो कोई भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये जो है आपकी लैंग्वेज है, आपकी जो वीडियो है यानी कि आप पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी बोली जाती है, तो आप अपना ये कैटेगरी लाजमी सिलेक्ट करेंगे ताकि जो लोग इस ज़बान को समझते हैं आपकी वीडियो को तो वो ज़्यादा इसको देखेंगे। अगर आप यहाँ पे जी कोई और ज़बान आप चेंज करके रखते हैं तो आपकी वीडियो को ज़्यादा तो लोग नहीं देखेंगे, उनको समझ नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है ये पहली जो है यूएस है, ये सेटिंग आपने कर लेनी है, ये जो इंग्लिश ही रहने देनी है। और यहाँ पे ऑल ऑफ कमेंट्स यानी कि हर बंदा आपको कमेंट्स कर सके, ये चीज़ें हैं मुकम्मल यूट्यूब चैनल की सेटिंग की, ठीक है। और भी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन ये मेन चीज़ें, इसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे ये सेफ हो गई है, दोबारा से उस पर चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोडेड, हाँ ये अपलोडेड कंप्लीट हो गई। ये अब आ गई परमिशन, ये देख सकते हैं परमिशन। परमिशन का मकसद ये होता है कि आप अगर आप जो हैं अपने ही चैनल में कोई किसी को ऑनर यानी कि ऑनर तो आप है ना, किसी को एडमिन यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, यानी कि आपका किसी आपका चैनल आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बंदा आपके साथ काम करके यहाँ पे एडमिन रहे, आप चैनल आपका होगा, अपलोडिंग वगैरह हर चीज़ वो करे, तो आप यहाँ पर उसको इन्वाइट करके ऐड कर सकते हैं। और एक्सेस आपके पास भी होगी और उसके पास भी होगी, वो आपकी मर्ज़ी है, किसी को अगर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी चलता तो ठीक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी YouTube चैनल की सेटिंग कर लेनी। कोई बात आपको समझ नहीं आए तो मुझे इनबॉक्स में जो है कॉमेंट्स करें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई इंशाल्लाह मैं आपको इनबॉक्स में जो भी है मैसेज जिसके भी आए सबके मैसेज मैं रीड करता हूँ, पढ़ूँगा और उसको आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फ्री कोर्स करना चाह रहे हैं उसका भी है, और अपना फेसबुक का भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं।